ए पर्यंत आपण देखिले ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्षंकर कन्या सतीकु प्रथम थर महादेव शिवंकर अस्तित्व ज्ञात हेला। सती फिंगी दियो ताकु, तुमे जानिछ एटा कोण? आम विरोधी पक्षर लोकताकु धारण करंती। शिवंकर घोर विरोधी दक्ष एक भव्य विष्णु मंदिर निर्माण करुछंती, जेउथिरे शिवंक पई कोनसी स्थान नाही। ऋषि दधिची सतीकु कहछंती, जे पर्यंत मंदिरर विष्णु मूर्तिरे शिवंकु स्थान न मिलिछि, से पर्यंत से मूर्ति मंदिररे प्रवेश करि पारिबो नाही। सती निज पितांक सम्मान पाई स्वयं विष्णुक मूर्तिरे शिवलिंगकु स्थापन करि देउछंती, जहाद्वारा दक्ष क्रोधित होइ जाउछंती। मो पचारुछि ए मूर्ति एठी किए रखिछे? आ ऋषि दधिचीक सम्मुखरे महादेवंक अस्तित्वकु तिरस्कार करुछंती। किए सेई शिव? दधिचीक कहिबारु सती शिवंकु आह्वान करुछंती, आ शिव प्रकट हेउछंती एबे आगकु। আজি প্রজাপতি কি পরিস্মরণ কলে? মো ইচ্ছা থিলা যে মো প্রজা আউ মো পুত্রী দেখন্তু যে আপন কি। আপনক এ প্রজা এহা মানন্তি যে আপনক প্রসন্ন করিবা বহুত সহজ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କୌଣସି ବିଧିବିଧାନର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କୁହନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ତାର ବିପରୀତ। ମୋ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବିଲୀନ କରିବାଠାରୁ ଆଜିର ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛଳନା ପୂର୍ବରୁ ପରିକଳ୍ପିତ, ସେଥିରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଏପରି ତୁଚ୍ଛ କରି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ। ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ସଂସାରର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ସଞ୍ଚାଳକ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଭୂମିକୁ ଅମଳକ୍ଷମ କରିଛି, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଛି, ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିୟମବଦ୍ଧ ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ କିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିଙ୍କୁ? ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ମୁଁ। କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ? କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ? ସଂସାରର ସଞ୍ଚାଳନ, ନିୟମର ସ୍ଥାପନା କରି ଏ ଭୂମିକୁ ନିର୍ବାହର ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଏ ଉପକାର କିପରି, ଆଉ କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ? କିପରି ପ୍ରଜାପତି? ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ମାଟି, ପବନ, ପଶୁ ବି ସମସ୍ତେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
केबे काहाको निजर महानतार गुणगान करिबा सुनिछन्ति आपण? ब्रह्मपुत्र आपण त ज्ञानी विचारवान मध्य आवश्यक अछि केवल अंतरात्मा को देखिबार जेउठे सब प्रश्नर उत्तर प्राप्त होइथाय। मु तो बैरागी ना सम्मानर मोह ना अपमानर भय ना शत्रु ना मित्र ना केही आपणार ना पर ना ए संसारठू किछि पाइबा ना किछि देबा परंतु जेबे धर्म नामरे करा जाउथबा आडंबर पक्षपातर आधार हेबो मु तार विनाश अवश्य करिबि। सती दिने ना दिने पिताश्री को अवश्य ही दुखी करिबे सेथिपाई मु तांकर स्वभाव आउ तांकर जिद्दिया गुणर निंदा करि आसीछि निजो छडा से अन्य किछि चिंता करंतिनी ख्याति अपा एमिते से नुह एमिति ही सिए नहले शिवंक लिंग रखिबा पूर्वरु से पिताश्री को मान सम्मानर कथा तो भाबी थांते अपा भूल तो कहा द्वारा भी हेई पारे निजो पिताश्री को विरुद्ध रे जिबा आउ तांको अपमानर कारण हेबा केवल भूल कथा नुहे पाप अदिति अहंकार हे गलाणी तांकर से जहा करुछंती भाबुछंती ठीक अपा तमे दया करी के शांत हे जाओ सती एईठा को ही आसुछंती पश्चातापर अग्नि से प्रत्येक क्षण स्वयं जलुछंती दया करी किछि भी कहंतुनी पिताश्री एबे भी मो उपरे क्रोधित काहेकि कौन हेबा कथा नुहे जहा किछि भी तमे करिछो परे आउ अधिक कौन आशा करुछ समस्त सम्मुखरे अपमानित होइबी पिताश्री कौन तुमको आलिंगन करिबे अपा एथिरे तांकर दोष कौन पिताश्री तो स्वयं सती को शिव आउ तांको मध्यरे जड़ित तथ्यरु वंचित रखिथिले से तो केबे भी शिवंक नाम शुणी ही नथिले मु जहा भी किछि करिछि पिताश्री का हित पई करिछि शिवलिंग रखिबार बस गोटे ही कारण थिला मूर्ति मंदिर रे प्रवेश करिबा जेमिति पिताश्री के ऊपर केही अंगुली न उठांतु
शिवलिंग को सेठी स्थापित करी पिताश्री को विचारधारा उपरे अंगुली स्वयं तुम्हें ही उठेइछ। सती माता थे पिताश्री सहित कथा मत पाख को नहीं चल पिताश्री। मोर भावना आपण को दुख देवाई नथिला पिताश्री। मु स्वयं ऋषि दधीची सहित तर्क करी एवं तांको कथा को असत्य मानी परंतु से समय रे मंदिर रे जानिनी काहेकि एपरि लागिला जे आपणक सम्मान को रक्षा करिबा पई केवल गोटे ही विकल्प रही जाइछे। पितांक समस्या गोटे पुत्री देखि पारिलानी आउ से जने प्रजापति पुत्री हेतबार दायित्व भी भूली बसिला। परंतु तार दंड आपण मौनतारे दियंतु नाही। आपणक सती वायु बिना जल बिना अन्न बिना जीवित रही जीव परंतु निज पितांकर स्नेह प्रेम बिना जीवित रही पारिबनि। आपण मते कोनोसे भी दंड दियंतु जेते भी कठोर हेउ किंतु थरे मो सहित कथा ही जानतु। तमे किपरि भूली गला जे प्रजापति दक्ष प्रतिष्ठा कहारी उपरे आश्रित नुहे आउ से शिव उपरे तो कदापि नुहे। मु तुमको ता विषय रे कहि नथिली काहेकि ना मु तुमको एई बदरु दूरे रखा चाहू नथिली जे शिवर ना भी तुमको दूषित करू किंतु तमे तो मते जानी थी तमे इति बड़ निर्णय स्वयं किपरि नेला मु जानी छी तमे जहाँ भी किछि करिछ से सब मो हितर कथा भाविकि करिछ किंतु परिणाम कौन है यदि समस्त दोष केवल तमर बोली मानी तेबे सेटा अन्याय हेब। किंतु तम भावनार आढ़ुआल तम अपराध को क्षमा करिबा भी न्याय हबनी। सती सती निज कर्म पाई पश्चाताप करुछि स्वामी ताको क्षमा करि दियंतु। ना माता क्षमा पाई मते मो कर्मर बोझर मुक्ति मिलिबनी। मु प्रायश्चित करबा को चाहूछि मु आपणक द्वारा निर्धारित समस्त नियम उपरे विचार भी करिछि परंतु प्रायश्चितर कोनोसे भी विधि एते कठोर नुहे जहाँ जड़े पिता को दुख दबार अपराध पाई उपयुक्त हेब। तमें ठीक कहुच भूल करी छ तेबे प्रायश्चित करबा को पड़िबो।
ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଫଳ ଆହାରର ଅନୁମତି ଅଛି ତମକୁ। ଆଉ କମଳର ଏକ ଲକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ତମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତେବେ ତମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସତୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ସ୍ୱୀକାର। ଆଜି ପରଠାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ତମେ ସେହି ଶିବର ବିଚାର ନିଜ ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦେବନି। ଯିଏ ଭରା ସଭାରେ ତମ ପିତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ନିଜ ଜୀବନରୁ ତାର ସ୍ମୃତି ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶର କଠୋରତା ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସତୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିରାଶ କରିବିନି। ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଗଲେ ତେବେ ତାର ଭୁଲର ଅନୁଭବ କିପରି ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ ହେବ ତେବେ ତାର ସୁଧାର ଆସିବ କିପରି? ମୋ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆଉ ଏ ଅଧିକାର ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଇନି, ଏପରିକି ମୋର ପୁତ୍ରୀ ହେଉନା କାହିଁକି। ଯଦି ଆଜି ନିଜର ସତୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି, ଅପରାଧ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଭୁଲ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ? ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ, ଭୁଲ ହେଉ ବା ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଦଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସତୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରି ନିଜ ନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପଙ୍କ ବିଚାରରେ ମୁଁ ସହମତ, ପରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅସହମତ ବି ନୁହେଁ। ସତୀର ଏହି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଆଉ କାହାରି ଅପରାଧର ପରିଣାମ। ଯିଏ ମୋ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା, ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରୀକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିଛି।
मो पुत्री ठारु अधिक दंडर अधिकारी तो सही शिल्पकार जी आम दान आउ दयारे आश्रित आउ आम सहित विश्वासघातकता कला सही शिव पाई सतीर प्रायश्चितर घोषणा सेथिपाई अनिवार्य थिला एबे जेतेबेले मो शिल्पकार को दंड देवी सेतेबेले मो निर्णय कठोरता आउ आक्रोश उपरे केही प्रश्न चिन्ह लगे पारिबेनी अमाप्त्य आज्ञा प्रजापति जदि से शिल्पकार को निज कर्म पाई पश्चाताप थाए तेबे सीए तुमको जीवित मिलिबनी आउ जदि से जीवित थिबो तेबे ताकु मो सम्मुखरे प्रस्तुत करा जाओ ता परिवार आउ ता समुदायर सबु लोकंक सहित यथा आज्ञा प्रजापति तमे एते बड़ निर्णय स्वयं किपरि नेइ नेल तमे किपरि भूली गल जे प्रजापति दक्षंक प्रतिष्ठा कहारे दयारे आश्रित नुहे मु तुमको तांक विषय रे कहि नथिली कारण मु तुमको से विवादरु दूरे रखिबाकु चाहू नथिली जे शिवंक नाम भी तुमको दूषित करु जहा किछि भी तुमे करिलो ताठारु अधिक आउ कोन आशा करुथिलो समस्तंक सम्मुखरे अपमान सह्य करिबि पिताश्री तुमको कोळेइ नै थांते शिवलिंग को सेठी स्थापित करी पिताश्री को विचारधारा उपरे आंगुली स्वयं तुम्हें ही उठाई छ तुम्हें किसी कह निसंकोच कह कह तो चाहूँ परंतु एक बुझी पारुनी जे शुणापी किए अच्छी जदि शुणा को प्रजापति दक्ष अच्छा तेबे तांकु मनु पुत्री प्रसूति सह तर्क करने को हम परंतु जदि शुणापी मो स्वामी अच्छा तेबे जड़े पत्नी जड़े माता निजर व्यथा शुणा को चाहूँ मनु पुत्री प्रसूति ठारु आशा करुछि जे से प्रजापति दक्षंकर दायित्व को बुझंतु आउ जणी पत्नी ठारु आशा करुछि जे से मो अपमान पाई सेतिके दुखित कुंठित हुअंतु जेतिके मु होउछि शिव आउ तार अराजकतारु ए युद्ध को जितिबा मो पाई अति आवश्यक आउ मु चाहिबि जे मो परिवार रो प्रत्येक सदस्य मते समर्थन करंतु
मो समर्थन आउ मो विरुद्धर कौन प्रयोजन अछि स्वामी। प्रत्येक परिस्थिति रे दुख आउ पीड़ा तो मो पुत्री को सज्य करिबाकु हबो। मु जानी छी तमरो चिंता तम पुत्री पई। कौन आपन को चिंता होनी स्वामी? सती को एति कठोर दंड दे आपन को ऊपर कौन बीतु छी ता मु बुझी पारु छी। आपन कर तो प्राण हेउ छी सती। आउ जणे सी आपन को परी कठोर जिद्दी आउ आपन दी जण को जिद्दी मध्य रे मु ही सब बड़े कष्ट पाई चली छी। जदि नियम रचना करुवा व्यक्ति स्वयं यही नियम को कठोरतार सहित पालन न करे तेरे प्रजा तांकर सम्मान करे आमर प्रतिष्ठा क्षुण्ण हो। मु प्रसन्न जे मो पुत्री सती एही प्रायश्चित को आपणे एहा प्रमाण करिछि जे सी प्रजापति दक्षंक पुत्री। आउ मु एकथा पाई प्रसन्न हेइछि जे मो पुत्री जणे पितार मान रक्षा करिछि। कथा कौन महर्षि भृगु? आपण को चिंतार कारण कहा भाग्यर समीक्षा करुछंती आपण? प्रजापति दक्ष आउ सतींकर कौन उल्लेख अछि सेथिरे? एहा एपरि भविष्य जहार कल्पना मात्रे आत्मा प्रकम्पित हेउछि। एहा एपरि भविष्य जहार विकल्प खोजिबा अति आवश्यक। आपण तो स्वयं ज्योतिष विद्यार संस्थापक महर्षि। आपण समस्त मनीषंक कुंडली करिछन्ति। आपण ही कहंती जहाँ भाग्य रे लेखा थाए ताहा ही हुए। तेबे कौन एमिति रे विकल्प संभव हो पारे? काहेकि नुहे ऋषि कश्यप, जदि भाग्य एते दुर्भाग्यपूर्ण तेबे ताकु निज इच्छा शक्ति द्वारा निजर कर्म उपरे नियंत्रण करी अवश्य बदला जाई पारिबो। आ कथा जेतेबेले प्रजापति दक्षंकर तेबे आमुकु तांकर रक्षा करिबाकु ही पड़िबो। सप्त ऋषिंकु कहारि भी जीवन रे हस्तक्षेप करिवार अधिकार किपरि अछि महर्षि? निर्बल सेई माने जे हात जोड़ी नियति को स्वीकार करि नियंति। आउ एई अंतर आम मध्यरे आउ साधारण मनुष्य मध्यरे। महर्षि, नियतिरु बंचिबा पाई जदि किछि मार्ग थाए तेबे ताहा ईश्वरंक प्रति समर्पण। किंतु केही जदि स्वयं को ही ईश्वर भाविकी भूल करिबो से एपरि व्यक्तिंकर सम्मुखरे कौन बा विकल्प थाई पारे? मु आजि पर्यंत बुझि पारिलिनि जे आपण प्रजापति दक्षंक सहित अछन्ति अथवा नहीं। किंतु मु प्रजापति दक्ष सहित अच्छी संपूर्ण रूप से प्रत्येक निर्णय आउर प्रत्येक निर्णय परिणाम। Thank you.
कौन आवश्यक थिला सती जदि पिताश्री को क्षमा मागी था तबे कौन ही था ए प्रायश्चित आडंबर करी कौन सिद्ध करबा को चाहुचो जे तुम्हें पुनः पिताश्री को आशा को भांगी बारे निपुण अपाई तुम्हें कौन कहुच आमर गेल्ली भौणी पिताश्री को कथा दे आसी जे प्रायश्चित को संपूर्ण करिवे ता भी इत्ते कठोर पिताश्री भी आश्वस्त हेले तंकर आशा बढ़िला किंतु ये कौन थरे भी भाभी छंती जे जदि ए प्रायश्चित संपूर्ण न करंती तेबे पिताश्री को आहुरी केते कष्ट हबो यांको कारणरु अपा तमे पूर्वरे एमिते केमिते भाभी परिलो एबी तो तांकर प्रायश्चित बे आरंभ हेनी अपा एथिरे भाबीबार कोन अछि एहा स्पष्ट हस खुशी रे बड़ होइथिबा आमो सती कौन एक कठोर प्रायश्चित करि परिबे तुमको कौन लगुछि से अनाहार रे रहि परिबे केउठारु एकत्रित करिबे एते कमल पुष्प श्री विष्णु को नाम लिखिबा पाई आम भवन रु कोष दूर जाए जदि से समस्त कमल पुष्प को एकत्रित भी करंती तेबे 20-25 हजार कमल पुष्प रु अधिक मिलिबनी 1 लक्ष तो बहुत दूर रा कथा एही प्रायश्चित विफल हेगी रहिबो किंतु केवल निजर जिद्दी कारण रु ये वचन देखि आसी छंती वचन मु देछि अपा हाँ किंतु ए पर्यंत एक कथा जानिनी जे सब संभव किपरि हबो किंतु एटा तो मो पई परीक्षा पिताश्री को पई मो प्रेमर समर्पणर मु एथर पिताश्री को लज्जित हेबा को देबिनी जदि कोनोसी भी कारणरु मु मो प्रायश्चित संपूर्ण करिन पारे तेबे पिताश्री को दुखी देखिबा पूर्वरु मु प्राण त्याग करि देबे कमलर स्वच्छ पुष्प को एकत्रित कर दूषित पुष्प को बाहर करदेव ए नि जिते पुष्प मिल सब नहीं आसब सती एत सब करवा संभव हबनि ए सब कौन अपा तम प्रायश्चित प्रस्तुति प्रायश्चित मोर मत सिद्ध करने को मुकूरी मत कहारे आवश्यकता ना सती एकरे तो आम निराहार रहिबो तापरे बाहर इत्ते खरारे कमल खोजिबा के कुआडे कुआडे जीव तमें कमल पुष्पे श्री विष्णु नाम लिखिबा आरंभ कर मन को शांत कर आसब बाहर काम पर दासी मैंने अच्छा ना ना अपा कदापि नुहे ए प्रायश्चित संबंधी समस्त कार्य मो स्वयं करी पुनः से जिद्दी केमिति करिबो संपूर्ण प्रायश्चित कह आम को तुम्हें भूली जाऊछ जे तुम प्रायश्चित समयबद्ध जदि पूरा दिन तुम्हें कमल पुष्प एकत्रित करिबो तबे श्री विष्णु को नाम केबे लिखिबो अपा मु जानि छी जे मु कोन करू छी किछि जानिनो तुम्हें किछि जाना नहीं तुमको तुम्हें कोन भाबिछ जे निजो प्रायश्चित रे असफल हे तुम्हें निजो प्राण त्याग करिबो तापरे पिताश्री कर कोन हेबो एक कथा भाभी चो तुमे ना तुमे केवल निज विषय ही भावुच तुम प्रायश्चित तुम सफलता आउ जे तो बले पिताश्री एक कथा जानिबे जे प्रायश्चित संपूर्ण करबा पई मु तुम मानन को सहायता नै छी तेबे कोन से प्रसन्न हेबे सती तुमे सती संपूर्ण ठीक कहि छी माता
प्रजापति दक्षिण का पुत्री निज संकल्प रे दृढ़ ये निज पिता को एते प्रेम करे जे निज प्रायश्चित को पूर्ण करिबा पाई से किछि भी करि परिबो। पिताश्री केमिति अछन्ते निजर पुत्री को एते कठोर दंड देई सी केवल व्याकुल ही होथिबे। जया नियति तमे दी जन प्रतिदिन सती सहित रहिब आउ जेते भी कमल पुष्प को एकत्रित करिकि भवन को निया जिव सेथिरे तमे सती को सहाय्य करिब। आज्ञा। जा निजर संकल्प को पूर्ण कर। मो सती उपरे निजर कृपा दृष्टि रखी थी सहायता कार्य को आहरी कठिन करदे कहीं कौन कर आखपाखे जिते भी पुष्करणी अच्छी सेठ समस्त कमल मु प्रथम ही मगे देछि सत्यों पुष्प पाई जाणी केते दूर दूरांत को जीवा को पड़ी।